जय फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, हाई राइज बिल्डिंगों में, मॉल में, हॉल में, होटलों में, हॉस्पिटलों में, हर जगह पर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फ्लोर पे जाने के लिए हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जो कि बिल्डिंगों के अंदर काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल कैसे करें, आप उसको प्रेस करें। मैं ये बटन दिखा रहा हूं आपको दोस्तों, प्रेस करने के बाद आप लिफ्ट में एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, ये डोर खुलता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद में आपको जहां पे भी जाना है उस बटन को आप प्रेस कर सकते हैं, और प्रेस करने के बाद में आप उसी फ्लोर पर जा सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी की होती है, छोटी बड़ी हो सकती है। कहीं पे इसमें सेफ्टी टिप्स लिखे हुए होते हैं दोस्तों, ये इसके सेफ्टी टिप्स हैं। कहीं पे इसमें ग्लास होगा, ये देखिए, कहीं पे इसमें ग्लास नहीं होगा, तो ये सेफ्टी टिप्स के दौरान इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, आपको कितने पैसेंजर इसका यूज कर सकते हैं, आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप रेड बटन से स्टॉप कर सकते हैं, सफेद बटन इसके अंदर फैन का है, ये देखिए दोस्तों, फैन इसके अंदर लगा हुआ है। ये लाइटिंग भी लगी हुई है कि जिससे इस धुआं इसके अंदर अंधेरा ना हो, विजिबिलिटी प्रॉब्लम ना हो, देखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और किसी भी फायर इमरजेंसी के दौरान दोस्तों लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, क्योंकि लाइट कटअप हो जाती है और स्मोक इसके अंदर चला जाएगा, दम घुट सकता है। उसके लिए एक प्रावधान है, आप प्रेशराइजेशन फैन लगा हुआ है तो आप घबराएं कभी ना, क्योंकि स्मोक उसके अंदर नहीं जाएगा। प्रेशराइजेशन फैन बिल्डिंगों में, लिफ्ट लॉबी में और स्टेयर केस के अंदर, ऐसी जगह पर प्रेशराइजेशन फैन लगा रहता है, वो वहां पे उसका प्रेशर ज्यादा होता है, स्मोक को नहीं घुसने देता है। तो इसलिए आप फायर इमरजेंसी में लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, और अदर किसी इमरजेंसी के दौरान आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिफ्ट का ध्यान रखना है, लिफ्ट का जो डोर होता है, डोर दिखा रहा हूं, आप इसको खोलते हैं या बंद करते हैं, आपको उतरना है, तो इसमें हाथ कभी भी ऐसे करके ना लगाएं, क्योंकि कई बार इसका लाइट आने और जाने पर दोस्तों सेंसर काम नहीं करता है, और काम नहीं करता है तो आपका हाथ कट सकता है। और दोस्तों अगर आपकी लाइट चली जाती है तो ये लिफ्ट कोई से भी फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे जाएगी, दरवाजे के पास खुलेगी, आप निकल सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। आप घबराएं ना, पैनिक ना हो। और दोस्तों लिफ्ट के अंदर हमारी बिल्डिंग की सिक्योरिटी और इमरजेंसी टीम जो होती है फायर ब्रिगेड की, उनका भी नंबर लिखा होता है, आप उस पे भी कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी की सूचना दे सकते हैं कि मैं लिफ्ट में फंस चुका हूं, वो सब चीजें उसके अंदर आप देख सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और दोस्तों कभी भी लिफ्ट के अंदर आप जब फंस जाते हैं तो बस आपको अपना हौसला बनाना है, पैनिक नहीं होना है। और फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।